सैडियो पॉल भाग रहा है। जानते हो मेरा नाम है कालीन। दुनिया में मेरे बराबर का कोई दारू खोरा नहीं होगा। अगर जो पीने वाला हो आए मुकालबा करे। अरे मैं तो वो पीने वाला हूं, कभी पौआ कभी अद्दी कभी बोतल भी पीता हूं। ए कभी पौआ तो कभी अद्दी कभी बोतल भी पीता हूं, और फ्री फंड की मिल जाए तो कट्टिंगा की कट्टिंगा पीता हूं। है कोई पीने वाला? लोगों ने शराब को बदनाम कर दिया, कुछ लोगों ने, कुछ लोग भले इस शराब को नीच नशा कहते हैं। दुनिया में कुछ लोग शराब को नीच नशा कहते हैं, लेकिन हम जैसे जवान तो इसे जीने की दवा कहते हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना भी बहुत जरूरी है। आ जाओ ठेकेदार, ओ मंगल भाई, हो जाए। ऐसा नहीं है कि सभी पीने वाले हो। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बिना नशा के जीते हैं। भूपेन भैया, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बिना नशा के जीते हैं, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो लेटर में दो दो बीड़ी पीते हैं। ना पीना हराम है ना पिलाना हराम है साखियों, केवल पीने के बाद होश में आना हराम है। हो जाने हल्की सी। ओ साखी ने आज मुझको उल्लू बना दिया, मगवाई की माल्टा लेकर ठर्रा उड़ा दिया। ठर्रा बनाया कैसे? मऊआ सड़ा गला के ठर्रा बना दिया, और ठर्रा पीने वालों को इस ठर्रा ने कर्रा बना दिया। जय हो। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेम को ले, ज्यादा समय नहीं। हम जानते इस बात को, जब अगर कोई भी कार हो, अगर कोई भक्त कसाई मंडी में पहुंच जाए कि भागवत को चंदा दे दू, दे रहा हूं। कसाई मंडी में कोई भक्त पहुंचे कि भागवत का चंदा दे दो तो कोई देगा? कोई नहीं। तो मैं जानता हूं कलाकार को सोचना भी चाहिए, मजबूरी ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम यही पी रहे हूं अकेले, हमें तो जिंदगी भर पीने। तो सब भैया थोड़ी अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती अगरबत्ती जल्दी जल्दी जलाओ। जल गई? अब वो नहीं जल रही। यज्ञ पूरा होगा तो मोमबत्ती भी नहीं जलत। देखो ना ये अगरबत्ती है ना मोमबत्ती है, जब कछु नंजा तो खामोखा की जबरदस्ती है। जबरदस्ती इतनी है आंधी आ जाए तूफान आ जाए ये बुझने वाली नहीं है। लोगों ने आज की दुर्गा जी की गाई, भगवान की आरती करते हैं, लेकिन दारू वाले हम जय हो। अरे जय दारू माता, हे मेरी जीवन धारिणी। जय दारू माता, अरे मोरी जय, अरे दारू माता। अरे जी कोई तुम खो पीता वो सोबा से जी जाता। ओम जय दारू माता। Yeah, no.
सोबत से पी जाता ओ दारू एक ही आरती हम गा सो भगवान ने आ गए तो हमें आरती करने बुला इसलिए थोड़ा थोड़ा बस केवल टेबलेट ले जाओ अब तो पीवे को मन हो रहा व्यासी तुम्हें डांट रहे हमें आज नहीं रुक रहे हम देख लो ब्रजेश लल्ला कह रही खबर दे दू तुम्हें कहा दे फ्री के हो उसका रम की होती दे देती जा तो टार की है ये न समझो के हो ये न समझो के पी गए कोठेदार आ जा भैया निक्कू भाई ना सब छोड़ हो पी गए पीते पीते और थोड़ा बस थोड़ा सा पी गए पीते थोड़ा सा एक दारू खोला मिले हमें मुलिका मेलगो वाली पुलिका में डरे हमने के कहा यार इतनी क्यों पी रहे हो यार मैं भी पीता हूँ अरे बोले तो हमने कही बच्चा मर जाओ बाल बच्चे देखे चलो अरे बोले कुछ भी हो जाए तो कहा बोले अरे मोरी जान कल्हारी कल्हारी मानो ठीक है बोले मैं जैसे जागता हूँ अरे मोरी जान कल्हारी चाहे भगे चाहे लुभाई बोले कुछ भी हो जाए अरे मोरी जान कल्हारी चाहे भग जाए लुभाई लेकिन हम तो पिएंगे दो दो बोतल अरे मोरी जान कल्हारी चाहे भग जाए लुभाई हम तो पिएंगे दो दो बोतल निक्कू कोठेदार नशा नहीं हो रहा यार घर जा दो प्याज की गट्टियां ले आओ थोड़ा सलाद हो जाए हैं क्या बताया है ओह काली घटा है आज मौसम भी बड़ा सुहाना लग रहा है काली घटा है मस्ती हवा है काली घटा है मस्ती हवा है आज तूनी लगा कर झूम 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 अरे झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर पीने से होता क्या है इसको पीने से तबियत में जवानी आए इसको पीने से रात जवानी आए इसको पीने से तबियत में जवानी आए इसको पीने से रात जवानी आए अरे झूम बराबर झूम शराब ओ अब तो नशा हो गया है ओ नशा भी लगा हो रावण काली निमिक रहे आबा
काका काले आओ मेरी राम कटोरी आओ। जब सुरा पीता हूँ तो सुंदरी की याद आती है, दिल करता है और इनू 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 का मतलब क्या है, आई लव यू आई लव यू इनू इनू आवाज ओ अरे वो रखे ना जाइया मुंह को चुम्मो हे अरे वो रखे ना जाइया मुंह को चुम्मा दे दे तिलक तुम हम खा दे दे तिलक के लगता है इसने अत्यधिक मदिरा का पान किया हुआ है। काका काले रे देखो तुम्हारे दरबार पर कौन आया है। अरे इधर आ इधर लगता है ठेकेदार आ गया। अरे ठेकेदार जिस समय मेरा लंका का राजा आएगा तेरी पाई पाई चुकाएगा, चिंता मत कर। काल्यम की बात कर रहा है, काल्यम घर पर नहीं है। चलो दादू से स्मरण है कि ये लंका राज्य का रहने वाला है, इसका कोई राजा है ये हमें मानता भी है, इसीलिए हम इसकी हर गलती को क्षमा करते रहते हैं। काले जागो अरे अरे नहीं पहचाना, इतनी देर में आई कब के परे, आओ 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 अंगना गौर चढ़ाओ चंगना तेरे काले काले अरे काले काले ले उतर गई उतर गई बा गई जा गई चली गई उतर गई। ये है दारू खोरन की दारू खोरी। दरगाह को सब होश रहता है, अगर दारू खुरा को नरम पत्र दिखा जाए तो देखो कैसे उल्टो चढ़े कोनो बड़ो कक्का मिल जाए तब हम कौन पिंगनी है अपने एक लगी जवाब क्या बात है। ये दारू खोरा है और दारू खोरों की बात कहते हैं हमें होश नहीं रहता है। आज तक किसी दारू खोरा ने मता इस भौजाई कही, वो सब जानता है। लंका के भगवान अहो भाग हमारे जो आज मेरे घर लंका के भगवान पधारे। लेकिन अब इतना समय नहीं है, मैं आपकी आरती पूजन हवन करता, चलो कोई बात नहीं। लंका के भगवान सेवक के घर स्वामी का आगमन हो जाए जरूर इसका विशेष कारण हो सकता है। आप किसी दूत को भेज देते, किसी राज सेवक को भेज देते, मुझे वहीं पर बुला लेते, लेकिन स्वयं आप चले आए। काल का बात है, काल इतना आवश्यक था कि हमें स्वयं आना पड़ा। ध्यान से सुनो, सुने दो लड़के राम लखन पंचवटी में रहने के लिए आए। बने रंग दो का करने अपन को, पहले पूरी बात को सुनो। हमारी बहन सरूपा पंचवटी पर अचानक पहुंची। हमारा राज्य है, जा भी सकती है, बड़े आदमी के लड़का बेटी के जात नहीं, परंतु वहां पर हमारी बहन के साथ उस छोटे तपस्वी के द्वारा छल किया गया, उसके नाक और कान काट लिए गए। बहुत अच्छा किया। क्यों रे सरकार, हम जैसा कह रहे सरकार, देखो लड़का बिटिया को खर्चा सबसे ज्यादा नाक ही कान को है। कोई नथनिया लेने, कोई पेसर पहनने, कोई भाला पहनने, कोई झुमकी पहनने, नाक कान कट गए खर्चा कम होगा। बात तो सत्य है, अब जब नाक कान कट गए तो खर्चा कम हो गया, तो फिर भी भोजन का तो खर्चा लगेगा, और कहीं गर्दन ही कट जाए। लग जाओ कैसी हंस रही, धर के हुक दे तो फिर भोजे। ओ जीजी बताई खूब हंस रही, तुम्हें पड़ रही अपनी हमारी डर रही झपनी, लंका के राजा है कोका कर रहा हूँ। काले प्रतिशोध में गया, प्रतिशोध में आकर के मैंने उनकी भार्या का हरण किया। तेरा भला हो जाए, जो कभी नहीं करो जो कर बैठे, अपनी नारी को दूसरी नारी दे के संभलो छिनरा होगा।
आपसे नहीं कह रहे, हम तो मनगढ़ंत की बात है। जब अच्छा किया आपने, अच्छा किया, अच्छा किया। आज लंका में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज के युद्ध में पुत्र घननाथ के द्वारा छोटे तपस्वी को वीर घातनी शक्ति के द्वारा अचेत कर दिया है, परंतु सुखैन ने उपचार बता दिया। बताओ जी, क्या बताओ? बताना चाहिए नहीं, बताओ का है। उसके द्वारा उस औषधि का पता बताया संजीवनी, उत्तर में जो द्रोणागिरी है, वो हनुमान नाम का बानर संजीवनी लेने जा रहा है। अब तुम्हें लंका के भगवान उसका मार्ग रोकना है। आप कहते हो घननाथ के द्वारा छोटा तपसी मूर्छित पड़ा है, वैद्यराज ने उपाय बता दिया, औषधि बता दी, वो हनुमान नाम का बानर बूटे लेने जा रहा है। अवश्य जान दो, तुम्हें क्या रिएक्शन कर रहा हूँ, जानो चलो जान दो, क्या करते हैं? यही तो हम नहीं चाहते। तो हमें क्या करने, तुम्हें जाकर के उस हनुमान नाम के बानर का मार्ग रोकना है। किसी भी प्रकार से वो रात्रि ही रात्रि में वापस ना आ पाए। क्या हुआ? कचरी सरकार हवा निकल रही, पर जा क्या? क्यों? जब गाड़ी पंचर हो तो जा नहीं पाओ। सरकार आप कहते हो वो हनुमान नाम का बानर बूटे लेने जा रहा है, वो बानर है, वो वीर क्या, वो तो महावीर है। आपके देखते देखते आया, आपकी लंका को चला गया, आपके किसी वीर योद्धा सब बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाया। काय सरकार, हम का तुम्हें आस रहेगा, काय को मरवाए देते हम बाल बच्चेदार है सरकार। कायर हो? नहीं नहीं सरकार, आप उसको रास्ता नहीं रोकते। कायर हो गया? अरे वो वीर नहीं महावीर है, तो तुम कायर हो गया। कछु समझ लो सरकार, जब तुमने कहा उन्हें कछु नहीं कर पाओ, जाओगे या नहीं? आपको मालूम है हम नहीं जा पे, हम जा नहीं पे, नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? हम का खोपड़ी चाट रहे, नहीं जाओगे? तुम जाना चाहो, हम जिद्दी आदमी है, जो हमने कह दई तो कह दई। अगर साथ नहीं देगा मेरा तो मैं सारा जान भुला दूंगा। मुझे कमाने से पहले यमपुरी तुझे राम दूत कर मरो ये खल रती मली भार। लंका के भगवान, मैं थोड़ा विचार कर लूं। कर लो। बैठ जाओ सरकार, राम दूत के हाथों से मरना मेरा उद्धार है, ये खल है, इसके मरने से मेरा उद्धार नहीं होगा, अब क्या करें? बुद्ध गए काजी जी, अगर नहीं जा रहे तो ये भी धर के कर दे खत्म, उतर जा रहे वहां भी होगा मेरा खत्म। कहने का मतलब गए तो गए और नहीं गए तो गए। हिना रहा हूं तो कुगा भरा, इधर रहूं तो कुगा भरा, उधर जाऊं तो खाई है, दोनों तरफ से मौत धरी, इधर कुगा उधर खाई है, क्या करूं? मरना तो है मेरे साथियों, मरना तो एक दिन सबको है। मरते मरते कालीन की बात जरा अपने हृदय में उतार लो, मरो तो यो मरो, कुछ कर मरो के नाम हो जाए दुनिया में, मरो तो यो मरो, कुछ कर मरो के नाम हो जाए, और मरो तो यो ना मरो के नाम ही बदनाम हो जाए। अगर मैं इसके हाथों से मरूंगा तो मेरा नाम भी बदनाम हो जाएगा, अगर मैं राम दूत के हाथों से मरूंगा तो मेरा नाम अमर होगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। वैसे लोग कहते मरो यान मरो, लेकिन कुत्ता की मौत ना मरो, मरो यान मरो, रोज मरो, लेकिन कुत्ता की मौत ना मरो। मौत बदनाम कुत्ते की है, मैं समझ गया हूं, अब तो जाना ही जरूरी है। ठीक है दीदी, चल जाए। लो भी कह रही नहीं जाओ भाग, जब का करे जबर मारे रो न दे, जाने तो पड़े ही। काले विचार कर लिया? अरे महाराज विचार कर लिया, आप तो मेरे अन्नदाता हैं, आप मेरे भगवान हैं, क्या मजा ले उस हनुमान नाम के भंडार का, जो रात ही रात में बूटी लेकर आ जाए, वो भी आपके कालीन के होते हुए।
जाकर के ऐसी माया रचाऊंगा, अपनी माया में उसे फंसाऊंगा। एक रात की आप कहते हो, मैं रात दिन उसे अपनी माया में बिताऊंगा। क्या बात है, तुम्हारी बात को सुनकर तुम्हारा राजा लंकेश्वर खुश हुआ। हे जाओ, विलंब नहीं करना, भगवान शंकर तुम्हारी सहायता करे। विजयी हो, विजयी हो। बस महाराज को पर्दा में कर दो, वो हमें बेपर्दा कर दो, यानी हमें बाहर कर दो। अस कहे चला किसी मगी माया, मैं जानता हूं कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो उस हनुमान नाम के बानर का रास्ता रोक ले। मैं जानता हूं, हाँ, हनुमान नाम का बानर राम रस का चटा है, राम रसिया है। कहीं पर भी राम का नाम उच्चारण हो रहा हो बड़ी गौर से सुनता है। तो क्यों नहीं मुझे वही राममय माया का प्रयोग करना चाहिए। एक सुंदर सा बाग बनाऊंगा, एक सरोवर बनाऊंगा जहां पर सरोवर बह रहा हो, एक मंदिर बनाऊंगा और मेरे अपने लिए कुटिया बनाऊंगा। मैं बाबा बन जाऊंगा। हम जैसे कई कालीमी बाबा हैं, अब देखो इस कालीम की माया, वे जय हा वो बहु में बिठिया हो नी रख जा रहा हम भाई मताई को कल हम इतने जल्दी चल रहे कि हम तुम्हें बता नहीं सका, लेकिन छोटी मोटी स्टेशन है तो छोड़ जा रहे। अब जो स्टेशन की ज्यादा सवारी होने तो पकड़ने पर है, रुकने पर है। हाँ, चल चल मेरी माया। ओ, कितना सुंदर बाग बन गया। चिरंजा चिया करे ब्रज सुनंदा पीछे आओ, जो आवाज सुना पड़ रही, चिरंजन की आवाज तुम्हें सुना रही, सुनाई दे रही। जी डार पे बैठे तुम जा में जो देखो, जा में के चिरंजन है के चिरुआ है, तुम पर करत अच्छी तरह से। जे चिरंजन चिरंजन पकड़ ले चिरुआ को छोड़ दे, हम जानत है काय के इनसे बड़ा कोई चिरुआ नहीं है। इसलिए अगर मैं ऐसे बैठा रहा तो हनुमान नाम का भंडार मुझे पहचान लेगा।